नमस्कार दोस्तों, दीपक ऑटो रिपेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और मैं आज आपको बताऊंगा होंडा ड्रीम योगा और ड्रीम नियो, होंडा ट्विस्टर और हीरो पैशन एक्स प्रो का इंजन का काम किस प्रकार से किया जाता है, इंजन का रिवाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें जो इसके गियर है वो हमें सेट करने होते हैं। जो गियर है मुझे इनको यहाँ पे सेट कर देंगे। अपने गियर जो है सेट हो गए। तो दोस्तों, इसके बाद में हम ये गियर सिलेक्टर है उनको लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक जो गियर सिलेक्टर है इसको, ये जो बड़ा वाला साइड है इससे सेंटर से जो ज़्यादा नीचे जा रहा है उस साइड को हम नीचे की तरफ करेंगे। तो पहले इसको यहाँ पे लगा देंगे। फिर इसके बाद में ये जो दूसरा जो सिलेक्टर है, ये जो ज़्यादा जो यहाँ से जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे। और इनको ऐसे थोड़ा साइड में करके ये जो इनका सिलेक्टर है उनको लगा देंगे। उसके बाद में अब हम इसमें जो किक की शाफ्ट है उसको लगाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो यहाँ पे देखिए किक स्प्रिंग में दो तरह की स्प्रिंग लगी हुई है, तो ये जो एक स्प्रिंग है उसको तो जो बैंड है और डबल जो बैंड है उसको तो हम यहाँ पे जो होल दिया हुआ है उस पर रखेंगे, और दूसरा जो सिंगल जो मुँह है उसको यहाँ पे रखेंगे एक बार। और मैं आपको दिखा दूँ जो दूसरा चैम्बर है उसमें क्या है कि ये होल है, इसमें वो सिंगल मुँह वाली स्प्रिंग जो है इसमें आके लगेगी यहाँ पे, जो किक के साथ में काम करेगी। और दूसरा जो ये स्प्रिंग है जो डबल मुँह वाली है इसको हम यहाँ पे इस होल में आके ये बैठेगा। एक बार इसमें जो क्रैंक है उसको फिटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, ये अपनी क्रैंक है, ये यहाँ पे फिटिंग हो गई है। ये जो स्प्रिंग है सिंगल वाली वो हम यहाँ पे रखेंगे, और जो डबल मुँह वाली स्प्रिंग है उसको हम यहाँ पे रखेंगे, और इसके सामने जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे आके इसमें बैठ जाएगी। तो दूसरा चैम्बर का जो कवर है उसको लगाएंगे। तो उसके लिए हमें जो यूज करना है वो देख लीजिए आप, एना बोर्ड 696 नंबर जो है उसको हम यूज करेंगे। दोस्तों, इसके बाद में हम जो ऊपर का जो कवर है वो लगा देंगे। इस पर हमने पूरे पे जो है ना बोट है वो यहाँ पे पूरे पे लगा दिया लिक्विड जो है, अब हम इस पर ये कवर लगा देंगे। ये दोस्तों, यहाँ पे जो ये जो बेरिंग की शीट है ये बहुत ही टाइट आती है इसमें, तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें लगाना होता है। एक बार इसको यहाँ से घुमा के देख लें, जो क्रैंक है उसका जो अलाइनमेंट है वो ख़राब तो नहीं हुआ, उसके लिए हमें एक बार इसको घुमा के चेक कर लेना चाहिए। ये यहाँ से एकदम से ओके है, और इसको मैंने खूब जोर जोर से ठोका है। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही टाइट आता है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा इजीली ब्रेज मार लगा के करना पड़ता है पहले थोड़ा, और उसके बाद में इसको हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना चैम्बर जो है उसकी फिटिंग हो चुकी है। इसके बाद में अब हम इसमें
देखते हैं, ऑयल पंप है उसको लगा देते हैं। दोस्तों उसके बाद में हम ये जो किक है उसकी सेटिंग के हिसाब से ये रेचिड है इसका, इसको लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब वो ये सारे होल एक जैसे दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखिए एक में यहाँ पे झीरी जो है वो नहीं बनाई हुई है, तो उसको हमें यहाँ पे भी देखिए इसमें नहीं है तो इसमें मिलाना है। एक जो ये होल है और इसमें भी एक यहाँ पे ऐसा बनाया हुआ है, तो ये इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे। और ये देखिए दूसरी जो ये है यहाँ पे जो बनाया हुआ है यहाँ पे ठोकर जो बनाई हुई है, इसमें इसको यहाँ पे मिलाएंगे। तो ये जो यहाँ पे जो घाट बने हुए हैं इनको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो सबसे पहले हम इसको इसमें डाल देंगे और इसको फिर ऐसे उल्टा घुमाएंगे और ये ऑटोमेटिक जो है नीचे बैठ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इतना काम हो गया। इसके बाद में हम इस पे ये जो लॉक है इसका ये लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो अपनी फिटिंग है वो पूरी हो चुकी है। तो दोस्तों अब हम ये जो प्राइमरी गियर है इसको लगाएंगे। तो ये इसकी कटर है, इसको यहाँ पे सेट कर देंगे, उसके बाद में इसके ऊपर एक ये जो बुश है इसका इसको लगा देंगे। फिर इसके बाद में इसके ऊपर ये जो प्राइमरी गियर है इसको लगा देंगे। दोस्तों अब हम इसके ऊपर जो इसका ब्लॉक किट है, ब्लॉक जो है वो हम लगाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें पिस्टन जो है वो लगा देंगे, और इसमें मैंने रिंग को है वो डाल दिया है, और इसको किस प्रकार से डालना होता है वो मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों इसमें तो ये जो गदन पिन है ये हमने लगा दिए, इसके बाद में हम इस पे ये लॉक है वो लगाएंगे। तो पहले हम इसको कंबल उड़ा देंगे, सर्दी ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हमने गजन पिन का जो लॉक है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है, उसके बाद में अब हम इस पे ब्लॉक है उसको रखेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें जो हेड की जो पैकिंग है उसको लगाएंगे। तो ये ब्लॉक की जो डोल है उसको लगा देंगे, इस पे थोड़ा सा मोबिल डाल देंगे पिस्टन पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ब्लॉक को लगा दिया, और ये जो ऊपर मोबिल जो था उसकी हम अच्छे से सफाई कर देंगे। और उसके बाद में अब हम इसमें टाइमिंग चेन को डालेंगे जो कि होंडा की जेन्युइन है,
वो हम इसमें यूज करेंगे। इसके बाद में अब हम ये जो रोलर है वो भी हम दूसरा डालेंगे। इंजन के जो भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों वो हमेशा ओरिजिनली यूज में लेने चाहिए। अगर ये हम लोकल पार्ट्स यूज में लेंगे तो इंजन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। और ये जो रोलर है ये यहाँ पे लगा देंगे बीच में। अब हमें ये जो टाइमिंग चेन है इसको हम थोड़ा सा बांध लेंगे एक बार के लिए। तो अब हम इस पे जो इसकी डोल है उनको लगा देंगे। इसके बाद में ये दोनों जो डोल है हमने यहाँ पे इनको सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर जो इसका हेड है जो मैंने पहले से तैयार कर लिया है उसको हम लगा देंगे। देखिए पूरा एकदम से हेड है उसको तैयार कर लिया। उसमें दोनों वाल जो है वो नए डाल दिए मैंने और ऊपर से बता रखा है दोस्तों। इसके बाद में हम इस पे गैस्केट लगा देंगे। इसके बाद में हम हेड को रखेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें ये जो इसको यहाँ पे ये सिलेक्टर जो है ये लगा देंगे और उसके बाद में इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों अब हम इसमें ये जो स्टॉपर पट्टी है ये लगा देंगे। तो ये जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इसके लिए ये जो स्टॉपर पत्ती है इसको यहाँ पे रखेंगे और इसमें ये जो नट है ये डाल देंगे और इसको यहाँ पे इसको ये इसके सामने यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे ये स्टॉपर पत्ती हमने लगा दी है। उसके बाद में इसमें जो गियर शाफ्ट है ये गियर की जो शाफ्ट है ये लगा देंगे। तो अब हम इसमें ये जो टाइमिंग चेन है इसको सेट करेंगे। और ये जो रोलर है हम नया डाल देंगे। तो यहाँ पे ये एक दो रोलर है हमने चेंज कर दिया। एक जो यहाँ पे रोलर इसको निकाल लेंगे इसको भी हम चेंज कर देंगे।
बार के लिए इसमें ये जो मैग्नेट है ये हम एक बार कम से लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी का निशान बनाया हुआ है। ये देखिए टी बना हुआ है, यहाँ पे एफ है। तो ये जो टी जो है ये यहाँ पे है, तो ये इसकी लाइन जो है ये है। इसको हमें इसके सामने ये जो निशान दिया हुआ है यहाँ पे तीर का जो निशान बना हुआ है बॉडी पे, इस पर मिलाना है। इस पर मिलाना होता है और उसके बाद में हमें यहाँ पे टाइमिंग, उसके बाद में जो है हमें टाइमिंग यहाँ पे मिलानी है। ये यहाँ पे निशान हमने मिला के रखा है इसके ऊपर, और दूसरा यहाँ पे अभी हमें देखिए टाइमिंग मिलाना है। तो ये दो लाइन दी हुई है इस पे, इनको हमें इन पॉइंट पे मिलाना है, एक तो इस पे और दूसरा ये यहाँ पे जो है इन दोनों पे यहाँ पे सीधा मिलाना है इन दोनों लाइन। तो मैंने इसमें इसको डाल दिया है, उसके बाद में देखिए थोड़ा सा मैंने इसको घुमाया, फिर इसको वापस से एक बार और घुमाएंगे। देखिए दोस्तों ये दोनों लाइन जो है यहाँ पे इसके सिद्ध में आ गई है, एकदम से सीधा जो है ये हो गई है। ये दोनों लाइन एकदम से सिद्ध में यहाँ पे इसके सिद्ध में आ गई है। तो ये जो हमारी टाइमिंग है वो यहाँ पे सेट हो गई है। तो इसके ऊपर जो बोल्ट है इसका ये यहाँ पे लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे अच्छा से टाइट हो गया, इसके बाद में इसके ऊपर जो कवर है वो लगाएंगे और यहाँ पे ये जो मैग्नेट है इसको वापस से निकालेंगे एक बार के लिए। मैग्नेट को हमने वापस निकाल लिया है और इसके बाद में यहाँ पे ये जो बंसरी है इसकी तो पंप साफ है, इसको वापस से लगाएंगे, इसको लगाएंगे और इसके नीचे स्प्रिंग लगा के बाद में ये जो मैग्नेट है इसको हम भी यहाँ पे लगाएंगे। सारे जो बोल्ट हैं वो हमने नीचे की जो टाइट कर दिया उसके बाद में लगा देंगे और इसके ऊपर ये वॉशर लगा दिए। यहाँ पे डोर लगा देंगे दोनों। यहाँ पे ये जो सलब की जो गियर है ये यहाँ पे लगा देंगे, पैकिंग लगा देंगे और ये जो इसके अंदर जो सॉफ्ट है ये डाल के यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एना बोर्ड है ये लगा देंगे। यहाँ पे क्या थोड़ा सा लीकेज का प्रॉब्लम आता है तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एना बोर्ड लगा देंगे। न्यूट्रल का जो वायर है ये लगा देंगे, यहाँ पे जो दो बोल्ट लगते हैं दोनों बोल्ट यहाँ पे लगा देंगे। तो इनको यहाँ से अच्छे से टाइट कर देंगे। अभी जो हम टेपिट की जो सेटिंग है वो यहाँ पे सेट कर देंगे।
ठीक है दोस्तों, ये दोनों ट्यूबिट जो है हमारे सेट हो गए। इसके बाद में इसके ऊपर जो हेड का कवर है वो लगा देंगे। तो मैंने इसको यहाँ से अच्छे से साफ कर लिया। हेड का जो कवर है उसको हमने टाइट कर दिया था। उसके बाद में हम ये जो कवर है टाइमिंग चेन का जो कवर है इसको लगा देंगे। इसके बाद में ये जो बुश है ये यहाँ पे लगाना है हमें, जिसका जो ये सीट जो बनाई हुई है ऊपर की तरफ करनी है। और फिर इसके बाद में जो कलर कॉपिंग लगा देंगे इसके ऊपर, ये एक वास्टर आता है। कलर कॉपिंग हमने लगा दिया, अब हम इसमें कलर छत और सेंटर लगाएंगे। इसमें हम कलर प्लेट सेट कर लेते हैं। बाद में ये जो बैलेंस है क्रीम का ये लगा देंगे, वाशर डाल देंगे। इसके बाद में इसके ऊपर ये जो बोल्ट है ये टाइट कर दिया। उसके बाद में इसके ऊपर ये कवर लगा देंगे। ये यहाँ पे दोनों डोल जो है ये लगा देंगे। और यहाँ पे एक जो रबड़ रिंग होती है ये ध्यान रखने की चीज है, जो ऑयल पंप से सीधा ऑयल जो है पूरी पूरे इंजन में जो ऑयल घुमाता है ऑयल पंप है ये यहाँ पे, तो इसके ऊपर ये कि रबड़ की रिंग जो है ये लगती है। तो इसको हमें याद करके लगाना होता है। जब भी हम क्लच प्लेट भी डालें तो उस टाइम पे भी हमें इसको याद रखना होता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऑयल की सप्लाई जो है वो पूरी बंद हो जाएगी, उसके बाद में इंजन सीज हो सकता है। तो इसके लिए इसका ध्यान रखें पूरा और इसको यहाँ पे ज़रूर से लगाएं। एक जो ये थर्सर बेयरिंग जो है ये यहाँ पे लगा देंगे और इसके ऊपर ये एक क्लच को दाब देंगे क्लच प्रेस के लिए। यहाँ पे जो पिन है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर इसको यहाँ पे उल्टा घुमा के रखेंगे जिससे वो पिन निकल के ना गिरे। और चैम्बर को जो है बंद कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर यह आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और दीपक ऑटो रिपेयर के अपकमिंग वीडियोस देखें सबसे पहले। अभी हमारे जो इंजन की जो फिटिंग है वो पूरी हो चुकी है, तो इसको अब हम बाइक में इंजन ऑयल डाल के और बाइक में लगा के स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।